जिंदगी में मैं इतना जलील नहीं हुआ किसी चीज को रिकॉर्ड करने में. मैं भूलता जा रहा था कि स्क्रिप्ट क्या है यार, स्क्रिप्ट को फॉलो करना कितना मुश्किल है. आई जस्ट रियलाइज्ड कि स्क्रिप्ट को फॉलो करना कितना मुश्किल है. आई रिमेंबर मैंने किसी सो कॉल्ड दोस्त की हेल्प करा था, एंड उनको कोई प्ले श्ले का कोई सीन था, एंड उनको मैंने लाइक कोई उन्होंने एक्ट करना था एंड ऑल दैट शिट. आई रिमेंबर कि मैं बार बार लाइन बोल जाता था, और प्रेम प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने उर्दू में लिखा था. आई वाज लाइक डूड, ही उर्दू मुझसे नहीं पढ़नी होती, सादा जुबान में लिखो. फिर उन्होंने सादा जुबान रोमन उर्दू में लिखी थी, तो विच इज नॉट गुड मैन. तो खैर सीन ये हुआ कि फिर मैंने बनाई, और फिर उससे वो पार्ट ये हुआ व्हेन वी वर डन, उन्होंने सबमिट वगैरह करा दी. यूनिवर्सिटी का कोई सीन था. अच्छा, तो जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है जो उन्होंने सबमिट कराई थी, वो किसी तरह डिलीट हो गई. I know what happened there, but still, खैर वो डिलीट हो गई. और खैर मैं अब काफ़ी ज़्यादा अफसोस के साथ सैड हुआ. एंड आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, लाइक पाँच साल हो गए होंगे, मैं तो खैर उसमें क्लास में, आई डोंट नो मैं कहीं था. तो आई रिमेम्बर, मतलब नेवर माइंड, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ना लाइक इस साल वो वीडियो मिल गई मुझे, लाइक लेकिन पता है मेरी शक्ल नहीं है, वो दूसरी बंदी की शक्ल है. मतलब दो बंदे थे ना, एक जनाना एक मर्दाना. मैं मर्दाना था, वो जनाना था. तो जो मेरा कैमरा था वो जनाना की तरफ था, जो उनका कैमरा था वो मेरी तरफ था. तो वो जनाना की शक्ल आ गई, मर्दाना की शक्ल नहीं आई. मर्दाना की वीडियो गायब हो गई, लेकिन मर्दाना की ऑडियो जरूर है. वो बात दरअसल ये है कि करीब ही मेरी एक दोस्त रहती है, लंच पे बुलाया था उन्होंने. आपको लंच पे जाना था, आपको देर नहीं होगी? जाता हूँ. हाँ तो वो सबरीना है ना, सिर्फ का या फिर उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होंगे. ये जो खुशबू का तोहफा होता है ना, इसका मतलब कुछ और होता है. क्या होता है? यही क्या मुझे पसंद है. अब ऑडियो में भेज सकता हूँ, क्योंकि ऑडियो में बार बार ये होता था अली स्क्रिप्ट भूल जाता था. तो वो कहते इम्प्रोवाइज, इफ दैट्स द वर्ड, तो कहते इम्प्रोवाइज. और कहते थे हाँ हाँ बड़ा अच्छा कर दिया, स्क्रिप्ट भूल गई बहुत अच्छी, लेकिन खुद से जो आपने लाइंस डाले हैं, लाइक ड्यूड इतनी मौके पे बैठ रही है, आपकी अल्फाज अपने आप के तलफ़ है, आप एक्ट पे बैठ रही है. तो आई वाज लाइक ओके वी कैन डू दैट. मतलब असल में वैसे होना यही चाहिए. स्क्रिप्ट, व्हाट स्क्रिप्ट मैन? इट्स लाइक कि आपको बता दो आपने करना क्या, बाकी आप अपने शब्द इस्तेमाल करें. दैट इज कॉल्ड, फिर वो डायरेक्शन को भेंग दो, डायरेक्टर्स को भेंग दो, स्टोरी राइटर को भेंग दो. अरे सब डायरेक्टर बने पड़े. खैर एनी वे सीन ये था कि आज ना एक अदत मैं एक पेपर सा देने गया था. मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं क्यों दूँ, हू द फक टू लिसन, कि मैं तुम्हें तो बताऊँगा मतलब जो भी. अच्छा खैर एनी वे, तो पेपर दे के मैं जब पेपर दे लिया ना, मैंने दे लिया, मैं हंस रहा था. एंड देयर वाज लाइक कि यार वो कौन सा मोमेंट होगा जिसमें मैंने पेपर दिया और मैं बोलूँ कि डूड यू नो पेपर दिया है मैंने, अच्छा पेपर दिया. एंड फिर जब रिजल्ट आया तो मतलब पता भी चल जाएगा कि पेपर अच्छा दिया. तो सारी जिंदगी मेरे साथ तो यही हुआ, देते हुए भी आई वाज अनकॉन्फिडेंट, जब रिजल्ट आता था आई वाज अनकॉन्फिडेंट, और जो रिजल्ट होता था तो वो तो फिर फलूदा हो गया. तो आई जस्ट रियलाइज मैंने जिंदगी में कितने रिजल्ट को किया. आई रिमेंबर जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था, जो उसका फाइनल रिजल्ट था, पेपर में दिए काफी दिए, मार्क्स अच्छे वगैरह आ रहे थे एंड ऑल दैट, बट जब दे रहा था तब भी आई वाज अनकॉन्फिडेंट इनफ, एंड जब सारा कुछ हो गया तब भी आई वाज अनकॉन्फिडेंट इनफ. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी 76% थी, मैं ए स्टार स्टूडेंट था ग्राफिक डिजाइनिंग में, कम ऑन उसमें तो था ना, जैसे भी उनका जितना भी यू नो लेवल था, काफी आर्ट स्टूडेंट थे. कम ऑन मैन, आर्ट स्टूडेंट पर टॉप करना इज अ बिग थिंग मैन. और जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे उसमें मैं सेकेंड हाइस्ट था, फर्स्ट हाइस्ट एकदम, और मैं फुल मार्क्स आ जाते लेकिन मेरे से 2 मार्क्स कमाए थे, और बस बगैर तो लोग पट्टी के सिर्फ 1 मार्क्स कमाए थे. I'm pretty sure अगर वो आज देख रही है, bitch, I hate you for that. I don't remember ऐसे वो कौन थी, उसका नाम क्या था, वो था क्या, wow, good memory. ये वाली timeline मेरा दिमाग से गायब हो चुकी है. That was actually one of the very good time जो मैंने ज़िंदगी में गुजारे, क्योंकि मैं काफी excited होता था classes में जाने के लिए. खैर ग्राफिक डिजाइनिंग इज नॉट अ हलवा, जिसको लगता है कि बस यू नो कोई भी मुंह उठा के बना ले या हो जाता है. ग्राफिक डिजाइनिंग कोई भी करता है. नो, दिस इज वेरी ऑफेंसिव व्हेन यू से दैट. ग्राफिक डिजाइनिंग एक टैलेंट, एक स्किल, एक कला, एक हुनर, एक फीलिंग है. सो डोंट से कि कोई भी कर सकता है, शायद कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता. मतलब
कर लेना इज नॉट आर्ट, मतलब वो यू नो द ब्यूटी ऑफ इट, आई डोंट नो हाउ टू से इट, मतलब कि वो वाला हिसाब है कि खाना हर कोई पका सकता है, लाइक खा लोगे राइट, बट खाना स्वादिष्ट है, दिखने में कैसा है, सारी चीजें खुशबू शुशबू यू नो, एंड कितना टाइम लगा है, अब दो दिन में एक खाना बना रहा, दैट्स नॉट आर्ट ना ब्रो। तो ये मैं ये बात कहता हूँ कि प्लीज इजी ना लिया करो ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब सोच समझ के बोला कर। यस आई एम वेरी हैप्पी, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो यस। और कल मैं नहीं नहीं मैं कपड़े धोने नहीं जा रहा, आई एम नॉट धोबी और समथिंग एनीथिंग ऐसा कुछ भी। मैं कल ऑफिस वाले दोस्तों से मिलूंगा जिनको मैं लास्ट टाइम मिला था 14 मार्च को प्रोबेबली, एंड बाकी दो दोस्तों को मिला था 8 मार्च को। तो 8 मार्च के बाद वो कभी सब बीच में मिल गए थे गलती से। खैर 18 मार्च के बाद मैं 2 अक्टूबर को मिलूंगा, और जो दूसरे दो हैं उनको मैं 14 मार्च के बाद 2 अक्टूबर को। उफ़ल्ला, मतलब मैं थोड़ा चेंज हो गया, वरना मैं पते खैर एक बात कहनी थी, अल्लाह का शुक्र है कुछ चीज़ें रिसेंटली हुई हैं विच इनकरेज टू मी, मोटिवेटेड मी इन सो मैनी वेज दैट आई कॉन्ट थैंक इनफ, कि जिस तरह जिंदगी चली या स्टोरी लाइन बनी, आई थिंक वो मेरा नसीब है, एंड आई एम रियली ग्लैड इट हैपेंड। शायद मैंने कभी गौर नहीं किया कि चीज़ें किस तरह हो जाती हैं। मेरी बहुत छोटी सी स्टोरी लाइन थी जिसमें मैंने पक हुआ और मैंने पक कर दिया, बट आई डोंट नो मैन, आई एम रियली थैंकफुल। और अगर किसी इसी दौरान मैंने किसी लोगों को ऑफेंड किया, अगर हर बार मैं क्यों ऑफेंड, मतलब मैं क्यों माफिया मांगता फिरूं भाई, माफ कर दो भाई, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो भाई।